नमस्कार दोस्तों। तो आज आपके लिए लेके आए हैं सरकारी नौकरियों की पूरी जानकारी। अपने अप्रैल माह में कौन कौन सी सरकारी वैकेंसी निकली हुई हैं, उसमें कितनी पोस्ट हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपका सीजीएल, एसएससी जो सीजीएल है, उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, और इंडियन कोस्ट गार्ड जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले फॉर्म अप्लाई किए थे, उसके भी एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो जल्दी से अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें। इसके साथ साथ आपका एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल का रिजल्ट आउट हो चुका है। अगर आपने अब तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो आज ही जाकर अपना रिजल्ट चेक कर लें। और आपका एमपी पुलिस, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो जल्दी से अपना जाके चेक करवा लें। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले नवोदय विद्यालय के फॉर्म अप्लाई हुए थे, उसमें उसकी आंसर की डाल दी गई है। तो जिसने भी अपने नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया था वे जाके अपनी आंसर की जरूर चेक कर लें। तो चलो चलते हैं हमारी अप्रैल माह की वैकेंसी की तरफ। तो राम राम मेरे सब छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊ ने। तो दोस्तों बात करा हाँ आज अप्रैल माह की नई वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहली जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो हरियाणा के बालक हैं, तो ज्यादातर हरियाणा की फार्म भरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पहली वैकेंसी हमारी वे आपकी हरियाणा तय है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, गोड ब्राह्मण कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक। इसमें आपकी ऑफलाइन फॉर्म है, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वह 26/3/2022 से लेके इसकी जो लास्ट डेट है 15/4/2022 है। इसका मैं आपकी जो ऑल कैंडिडेट की फीस रखी गई है वह रखी गई है 500 रुपये, और ये जो या फीस है या आपने डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल गोड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज रोहतक अंडर में जो चलान कटवाना पड़ेगा, और आप इस फॉर्म ने ऑफलाइन अप्लाई करवा सको हो। इसका मैं बात करा पोस्ट की, तो इसका मैं कुल आपकी 52 पोस्ट दी गई हैं। इसका मैं आपकी टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों तरह की पोस्ट हैं। टीचिंग में आपकी प्रोफेसर की पोस्ट आ जाएंगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इसका साथ साथ आप नॉन टीचिंग की बात करा तो नॉन टीचिंग में आपके हो जाएंगे असिस्टेंट की, कंप्यूटर ऑपरेटर की, लैब असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, पीएन की, काफी सारी पोस्ट दोस्तों निकल के सामने आई है इसके अंदर। तो जल्दी से अपना फॉर्म अप्लाई करवा लो। ये बात करा हमारे दूसरे फॉर्म की, तो दूसरा फॉर्म जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, राजस्थान सुबोर्डिनेट मिनिस्ट्रियल सीरीज सिलेक्शन बोर्ड। इसमें आपकी लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट, इसमें आपकी ये पोस्ट निकल के आई है। इसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हो 25/3/2022 से लेकर इसकी लास्ट डेट जो है वो है 23/4/2022। इसमें जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूसी कैटेगरी के लिए 450 रुपये फीस रखी गई है, और जो SC ST कैटेगरी है उसके लिए आपकी 250 रुपये फीस रखी गई है। और इसकी दोस्तों एग्जाम डेट भी घोषित कर दी गई है। एग्जाम डेट इसकी 28/29/2022 को इसका पेपर लिया जाएगा, और इसके अंदर जो एज लिमिट है आपकी ये होगी 18 से 40 साल, और ये अकॉर्डिंग टू 1/1/2023 के अनुसार होगी। इसमें जो पोस्ट की बात करें तो इसमें 1012 टोटल पोस्ट है, और इसमें अगर पोस्ट वाइज बात करें तो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी और लैब असिस्टेंट होम साइंस। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन अलग अलग है। आपकी लैब असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास विद साइंस, और जो लैब असिस्टेंट जियोग्राफी की है इसमें खाली आप 12th पास हो, और जो लैब असिस्टेंट होम साइंस है इसमें 12th पास विद होम साइंस। उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा, आपका रिटर्न एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और आपका अंत में मेडिकल लिया जाएगा। अब तीसरी बात करें, तीसरी बहुत बड़ी वैकेंसी इंडियन नेवी की तरफ से निकल के आई है। इंडियन नेवी में आपकी SSR और AA के पदों पर भर्ती निकल के सामने आई है। इसके ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपके 29/3/2022 से स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी लास्ट डेट जो है 5/4/2022 है। इसमें दोस्तों कोई फीस नहीं है, आप ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। इसमें जो आपकी एज क्राइटेरिया रखा गया है, एज क्राइटेरिया आपका 1/8/2002 से लेकर 31/7/2005 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों। ये जो दिया गया है इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकते हो। इसमें SSR की जो वैकेंसी है उसमें क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है 12th पास विद मैथ फिजिक्स,
और इसके साथ साथ आपका केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और इसकी जो पोस्ट है वो टोटल 2000 दी गई है। और बात करें डबल ए की, तो इसमें आपकी 12th पास 60% प्लस होनी चाहिए। आपकी जो 12th पास करी है आपने तो वो 60% से ऊपर होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपका मैथ फिजिक्स प्लस आपका केमिस्ट्री बायो या फिर कंप्यूटर साइंस, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। और इसकी टोटल जो पोस्ट है वे पोस्ट आपकी 500। और इसके अंदर जो फिजिकल का वो रखा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसमें आपकी हाइट 157 सेंटीमीटर और 1600 मीटर की रेस है जो आपको 7 मिनट में लगानी होगी। और ये दंड बैठक वगैरह है ये आप देख लेना। अब बात करते हैं चौथी नई वैकेंसी की। तो चौथी नई वैकेंसी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से निकल के आई है, जिसपे एमटीएस के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें दोस्तों अब की बार एक हवलदार का पद भी अलग से ऐड कर दिया गया है। पहले मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी निकलती थी, लेकिन इस बार इसमें एक नया चेंजमेंट आ गया है। इसमें हवलदार के पदों पर भी भर्ती होगी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें जो एज क्राइटेरिया है ये है 18 से 25 साल, और जो एक्स्ट्रा छूट दी जाती है वो अकॉर्डिंग टू ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए वो दे दी जाएगी। और इसमें जो हवलदार की टोटल पोस्ट निकल के आई हैं, ये आई हैं 3603 पोस्ट। और एमटीएस आपका 10वीं पास होगा, लेकिन हवलदार के लिए दोस्तों आपका फिजिकल अलग से ले लिया जाएगा। अगर आप एमटीएस का फॉर्म अप्लाई करवाते हो, हवलदार का या एमटीएस का, आप किसी का भी फॉर्म अप्लाई करवाते हो, तो दोस्तों उसमें कुछ स्टेट दिए हुए हैं कि आप किस स्टेट के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो प्रेफरेंस आपने देनी है, उस प्रेफरेंस आप अपने नियर बाई जो आपका एरिया है उसकी देंगे तो आप बहुत अच्छा रहेगा। और उसके बाद आपने ये नहीं है कि आपने हरियाणा हरियाणा की पोस्ट दे दी, चंडीगढ़ की दे दी, दिल्ली की दे दी। आप ये मत करना कि आपने सिर्फ हरियाणा हरियाणा का वो दे दिया, स्टेट दे दिया कि मैं यहाँ पे जॉब लोकेशन मेरी यहाँ पे रहनी चाहिए। तो दोस्तों आप सभी सिलेक्ट करो, आप पूरे स्टेट को सिलेक्ट करो, ताकि हो सकता है कि आप, जैसे कि आपका टेस्ट हुआ आपने उसमें 75% स्कोर कर दिया और हरियाणा के लिए 76% पर चली गई, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप सभी सिलेक्ट करते हो और उसके बाद अगर किसी भी स्टेट की जो लिस्ट है वो 74 पर जाती है और आपके 75% मार्क हैं, तो आपका सिलेक्शन उस स्टेट में हो जाएगा। उस स्टेट के जरिए आप जो इसका सेकंड पेपर होता है वो पेपर दे सकते हो, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग वहां पर हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप ये चित्र समझ गए होंगे। तो आप सभी स्टेट को अप्लाई कर देना उसके अंदर, और ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल सके। और इसके साथ साथ आपको बता दें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, पटना हाईकोर्ट में कंप्यूटर ऑपरेटर की कुछ वैकेंसियां निकली हुई हैं। इसमें टोटल 30 पोस्ट है। इसमें आप 17/3/2022 से लेकर 7/4/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1000 फीस रखी गई है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए इसमें ₹500 टोटल फीस रखी गई है। इसका जो एज क्राइटेरिया है वे 18 से 37 साल मेल के लिए है और 18 से 40 साल फीमेल के लिए रखा गया है। और इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है वो मांगी गई है बैचलर डिग्री। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे वो आपने बीए कर रखी हो, चाहे आपने बीएससी कर रखी हो, चाहे आपने बीकॉम कर रखी हो। और इसके बाद अगर बात करें तो सबसे लास्ट में बात करें तो आपकी ये इंडियन एयरफोर्स में टोटल 5 पोस्ट निकली हुई हैं, ये भी आप देख लेना। ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, 25/4/2022 इसकी लास्ट डेट है। 18 से 25 साल तक इसको कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी दोस्तों कोई फीस नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म है, आप चाहो तो इंडियन एयरफोर्स के 5 पोस्टों के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि इस तरह की जो नई नई अपडेट है वैकेंसियों के बारे में, हरियाणा स्कीम के बारे में, वो आपको आगे हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।